हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नाभि को किस तरीके से आप डिगने से बचा सकते हो कि आपकी नाभि कभी नहीं डिगेगी, आपको इसके लिए क्या करना होगा। आप हमेशा अपनी नाभि को सुरक्षित रख सकते हो और आपकी नाभि अगर आप इस तरीके से उसकी देख रेख करेंगे तो नहीं टलेगी। आपको करना क्या है कि आपको रोज़ाना थोड़ा सा इस तरीके से अपनी उंगली पर ऑयल लेना है और आपको वो ऑयल धीरे से नाभि के अंदर लगा लेना है। ये प्रक्रिया आपको नहाने के तुरंत बाद करनी है। नहाने के बाद आप इस तरीके से इतना सा थोड़ा सा बिल्कुल ही हल्का नाभि के अंदर ऑयल लगाएंगे तो आपकी नाभि इससे नहीं डलेगी, आपका पेट इससे नरम रहेगा और आपके होठों पर खुश्की नहीं आएगी। सर्दियों के दिनों में आपके होठ फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो एड़ी और होठों को फटने से बचाने के लिए आपको नाभि में ऑयल लगाते रहें। इससे आपकी सभी शरीर की नस नाड़ियाँ सभी नरम बनी रहेंगी और आपके होठ और एड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, आपके हाथों में दरारें नहीं पड़ेंगी। ये आपकी त्वचा की खुश्की को मिटाती है। हमारा नाभि तंत्र पूरा नाभि से जुड़ा हुआ होता है, जो भी नाड़ी तंत्र है वो सभी हमारा नाभि से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आप इसमें ऑयल लगाते रहें। अगर आप ये प्रक्रिया दो बार करते हैं तो आप बहुत ही और भी ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी त्वचा खुशक है तो आप ये प्रक्रिया कम से कम दो बार करें और आपकी नाभि भी नहीं टलेगी और आपकी त्वचा की खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये जानकारी मैं सभी लोगों के लिए दे रही हूँ कि सर्दियों के दिनों में सभी के हाथ पैर ज़्यादा खुश्क रहते हैं और अक्सर लोगों के होठ फट जाते हैं, तो इससे आपके होठों की त्वचा बहुत ही मुलायम बनी रहेगी, आपके होठ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस प्रक्रिया को आप करें, हमारी वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लिंक से जुड़े रहें। धन्यवाद।